आज जिस वन में स्वामिनी आई है, उस वन की शोभा तो देखने योग्य है। चारों ओर कोयलों का कलरव, शुक और सारी अपनी उस ध्वनि से श्री राधा रानी का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर रहे, खींच रहे हैं। भौरों का गुंजार, चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प जूही के, चंपा के खिले हुए हैं। तभी ललिता ने कहा, हे स्वामिनी, चलो उधर देखो, एक बड़ी सुंदर नदी की धारा प्रवाहित हो रही है और इसका नाम यमुना है। आहा, श्री जी का हृदय एकदम आह्लादित हो उठा, दौड़ पड़ी यमुना की ओर। यमुना के किनारे पर जाके श्री जी बैठ गई और बड़े भोले स्वर से, भोले शब्दों से ललिता से पूछ रही है, मानो अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानती है। अरे ललिता, विशाखा ने बहुत कुंजों में गई, पर ऐसा कुंज तो मैंने अभी तक न देखा। क्या नाम है इस कुंज का, इस वन का क्या नाम है? तो विशाखा बोली, लाडली, इस वन का नाम है वृंदावन। आहा, कितना प्यारा नाम है इस वन का। ये नाम लगता है कि कितनी बार सुना है, सुना सुना सा लगता है, अपना अपना सा लगता है। नाम सुनते ही श्री जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। धन्य है ये वृंदावन, धन्य है ये यमुना महारानी। उस यमुना में सुंदर सुंदर कमल खिले हैं। श्री जी ने एक कमल तोड़ा, अपने हाथ में लेकर के उसको निहार रही थी, तभी ललिता के मुख से निकला, श्री जी, जैसा ये नील कमल का रंग है ना, ऐसा ही रंग है हमारे कृष्ण का। बस कृष्ण सुना, कृष्ण सुनते ही श्री जी को रोमांच होने लगा। कौन है ये कृष्ण, कितना प्यारा नाम है इसका। खुद स्वामिनी बैठी बैठी बोलने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या मैं इस नाम को जानती हूं? क्या मैंने पहले इस नाम को सुना है? कभी नहीं सुना, फिर भी ये नाम इतना प्यारा क्यों लग रहा है? ललिता इत्यादि सखियों ने देखा कि कभी रोने लग रही हैं, कभी हंसने लग जाती हैं, कभी हंसते हुए कृष्ण कह रही हैं, कभी रोते हुए कृष्ण कह रही हैं। ललिता इत्यादि को लगा कि अब ये प्रेम आनंद में डूब रही है, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। श्री जी का हाथ पकड़ा, सखियों ने कहा, चलो अब महल चलते हैं। बड़ी भोली है सखी, जहाँ लेके जाती है वहीं चल देती है, सखियों की आज्ञा पर चलती है। सखी लाडली जी को लेकर के महल में वापस आ गई। आई ही थी कि वहां सामने चित्रा सखी खड़ी थी। चित्रा ने स्वामिनी को प्रणाम किया और बड़ी आनंद में भर के बोली, श्री जी, पता है मैंने आज एक चित्र बनाया, आप देखोगी उसे, बहुत प्यारा चित्र है। ललिता बोली, नहीं नहीं, अभी स्वामिनी थकी हरी आई है, सुबह से कुंज में थी, अभी तू थोड़ी प्रतीक्षा कर। तो चित्रा थोड़ा रूठ गई ललिता से कि अच्छा, खुद तो दिन भर स्वामिनी से चिपकी रहती है, मैं थोड़ी देर आई तो मुझे भगा रही है, मैंने इतने प्रेम आनंद से चित्र बनाया, रूठ गई। तो श्री जी ने चित्रा को अपने पास बुलाया, इधर आ, क्यों रूठती है, ला मुझे दिखा ये चित्र, पर पहले इसकी कथा तो बता कि ये चित्र तूने बनाया क्यों, कैसे बनाया? तब चित्रा कहती है, स्वामिनी, आज जब मैं सुबह महल आई तो वृषभानु जी ने कहा कि चल चित्रे, नंदगांव से नंदराय का बुलावा आया है, वहां किसी का चित्र बनाना है।
तो स्वामिनी में तुरंत बाबा की आज्ञा मान करके अपने हाथ में सब चित्रकारी की वस्तु लेकर के पहुंच गई नंद राय के महल में। और जहां मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसका चित्र बनाने मुझे बुलाया गया था, हे स्वामिनी मैं क्या बताऊं, मेरी नेत्रों से अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। मैं बस निहारती जा रही थी, बनाती जा रही थी। वही चित्र मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ललिता बोली, बस ज़्यादा कथा नहीं सुननी है, मैं जल्दी दिखा स्वामिनी, फिर आराम करेंगे। चित्रा ने वो चित्र लिया और लेकर के जैसे स्वामिनी के हाथ में दिया, उस मुखारविंद को प्रथम बार श्री जी ने उस चित्र में देखा, देखते ही स्वामिनी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। आहा, कौन है ये, इतना सौंदर्य जिसकी मुख आभा मुझे अपनी ओर खींच रही है, मैं स्वयं श्री जी नेत्रों से अश्रु भी गिरा रही हैं, मैं आर्य पुत्री होके अभी यमुना किनारे एक पुरुष के शब्द पर खींची जा रही थी, उसके नाम पर खींची जा रही थी, और अब देखो इस पुरुष के मुख पर खींची जा रही हूं, ये क्या हो गया है मुझे। तब ललिता ने कहा, अरे राधा, ये चित्र वाला व्यक्ति और जो यमुना पर जिसका नाम लिया जा रहा था, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही दोनों हैं, तभी आप उसके नाम और इसके रूप पर आकर्षित हो रही हो। श्री जी आनंदित हो उठी, उस चित्र को श्री जी ने छोड़ा नहीं, उसको अपने हृदय से लगा लिया, इतना सुंदर रूप। अरे कौन सलोने भ्रिकुटी निकट नैन रस
बरसाने से निकल करके नंदगांव की ओर जा रही थी। रास्ते में एक प्यारा सा सुंदर सा सरोवर, वहां पर श्याम सुंदर खड़े थे और स्वामिनी वहां पहुंची। वो चित्र तो हृदय में बैठा ही था, रात्रि को दिन में हर क्षण वो हृदय में बैठा था। कौन है ये, कहाँ रहता है? और जैसे ही श्री स्वामिनी आज पहुंची, सामने श्याम सुंदर खड़े थे। श्याम सुंदर को देख करके स्वामिनी एकदम अचंभित हो गई। स्वेद बिंदु झरने लगे और इनकी दशा तो फिर भी संभाली जा सकती थी, पर उधर तो कुछ और ही हाल था। आज तो श्याम सुंदर अपनी दशा ही भूल गए। कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, कुछ होश नहीं रहा। भाव में आकर के दोनों श्याम सुंदर और श्यामाजू एक दूसरे को निहारते रहे, मूर्छित हो गए निहारते। कहते हैं ना, शास्त्र कह रहे हैं, सृष्टियां बदल जाती हैं, पर ये प्रेम की मूर्तियां आपस में एक दूसरे के दर्शन करते करते कभी अघाते नहीं है। इतना प्रेम भरा है, प्रेम का ही आकार है श्री कृष्ण और श्री राधा। थोड़ी देर बाद जब भान आया, मूर्छा दूर हुई, तब वार्तालाप हुई। श्याम सुंदर ने पूछा, कौन हो तुम? स्वामिनी जी चुपचाप खड़ी हुई, कुछ नहीं बोली, शांत, बोली वाली है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो ठाकुर जी ने फिर कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो, बोलो ना, कौन हो तुम? तो श्री जी बड़ी संकोच में आके कहती हैं, मैं राधा हूं, मेरा नाम राधा है। श्याम सुंदर बोले, पहले तो तुमको कभी देखा नहीं, कुंज में सब सखियां आती हैं, तुम तो पहले कभी आई नहीं। मैं कम बाहर जाती हूँ, अपने महल में ही रहती हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं जाती, आज बस आई हूँ। ठाकुर जी बोले, अच्छा, मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? अच्छा, नाम तो तुमने सुन ही रखा होगा, पूरा ब्रज जानता है मुझे, तो सुन ही रखा होगा नाम तो तुमने। क्या नाम है आपका?
तब श्याम सुंदर ने कहा, मेरा नाम है कृष्ण। आहा, हृदय भर गया श्री जी का, जिसको खोज रही थी, जिनको ढूंढ रही थी, वही सामने मिल गए। हृदय तो आनंदित हो गया, पर बाहर से कह रही है। श्याम सुंदर ने कहा, नाम तो सुनी रखा होगा। श्री जी बोली, नहीं, पहली बार सुना है। उस समय श्याम सुंदर का मुख देखने योग्य था। श्याम सुंदर ने कहा, तूने हमारा नाम ही नहीं सुना, ब्रज में रहती और हमको नहीं जानती, कृष्ण को कौन नहीं जानता। तब श्री जी बोली, अच्छा अच्छा, तो तुम वही चोर कृष्ण हो। ठाकुर जी ने कहा, चोर कृष्ण? अरे तेरा क्या चुरा लिया हमने जो तू हमें चोर कहती है, असली चोर तो आप हो। श्री जी ने कहा, हम तो कभी चोरी करना जानती नहीं, फिर आप हमको चोर कैसे सिद्ध कर रहे हो। तो लाल जी ने कहा, हे स्वामिनी, इससे बड़ी चोरी क्या होगी कि आपने हमारा हृदय ही चुरा लिया, हमारा चित्त ही चुरा लिया, तो हमसे बड़ी चोर तो आप हो। दोनों प्रिया प्रीतम परस्पर आपस में वार्ता कर ही रहे थे, तभी सखा मंडली की गोपियों की आवाज आई। दोनों विचलित हुए। सखियों ने कहा, चल राधा, सांझ हो गई, जल्दी घर चल। श्री जी का हाथ पकड़ा, उधर से ग्वाल वालों ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा, उनको नंदगांव ले गए। श्री जी बरसाना आ गई। और आज जो दोनों की दशा है, आज तो मिलन हो गया, पर अब इसके बाद 2 दिनों तक कोई मिलन ना हुआ। दोनों व्याकुल हैं हृदय, प्रेम हमेशा मिलन की उत्कंठा तो रखता है, लेकिन विरह उस प्रेम की और उस प्रेम को बढ़ाता है।